हाय गाइस, मैं नंबर नाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सैमसंग J2 J200G का अगर आप कंट्री लॉक अनलॉक करना चाहते हैं अपने J3 एक्सबॉक्स से तो किस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली कंट्री लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपको उस मोबाइल में जो आपको सुपर एसयू फाइल इंस्टॉल करना होगा और TWRP फाइल से आपको फ्लैश करना होगा ओडिन टूल के जरिए से, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने अभी तक EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप किसी भी अगर सैमसंग मोबाइल को अगर उसका कंट्री लॉक अनलॉक करना चाहते हैं या IMEI रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली जो है नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कंट्री लॉक अनलॉक करना चाहते हैं उससे पहले आपको ये फाइल से जो आपको फ्लैश करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फाइल की आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये कंप्रेसर फाइल है, इस फाइल को जब आप एक्स्ट्रा हियर करेंगे तो इसमें एक फोल्डर बनेगा और इस फोल्डर के अंदर में आपको दो फाइल मिलेगी। एक फाइल मिलेगी आपको TWRP और दूसरा फाइल मिलेगा आपको सुपर एसयू फाइल। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको TWRP फाइल से जो उस मोबाइल को फ्लैश करना है, उस मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के जाना है। और TWRP फाइल आपको ओडिन टूल में भी आप सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं या अपने Z3 एक्सबॉक्स में भी सेलेक्ट करके जो है आप फ्लैश कर सकते हैं उस मोबाइल पर। और जब ये TWRP फाइल फ्लैश हो जाएगा उस मोबाइल के अंदर में जिस मोबाइल का आप कंट्री लॉक अनलॉक करना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं सुपर एसयू फाइल, ठीक है। इस सुपर एसयू फाइल को आपको उस मोबाइल के अंदर में डाल देना है, उसके फोन मेमोरी में डाल देना है, ठीक है। अब फोन मेमोरी में डालने के बाद मोबाइल को जब आप रिकवरी मोड में लेकर के जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, सुपर एसयू फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे सैमसंग IMEI रिपेयर J2 वाला वीडियो देख ले, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए, आप कंट्री लॉक को अनलॉक करने के लिए सैमसंग मोबाइल को, सैमसंग J200G मोबाइल को कंट्री लॉक अनलॉक करना है हमें, तो उससे पहले हमें यहाँ पे अपने टूल में जो है उसका जो मॉडल नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। चलिए, हम यहाँ पे अपना मॉडल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे अनलॉक पर जाना है, अनलॉक टूल पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपने मोबाइल को ऑन कर लेंगे और मोबाइल को ऑन करने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको डायल बटन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है *#0808#, और जब ये आप टाइप करेंगे तो उसके बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ पे ADB जो है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस मोबाइल में डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर से। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका ADB पोर्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जब ये ADB पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको अनलॉक करना है। तो अनलॉक पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू अनलॉक पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उसके बाद यहाँ पे कुछ देर का यहाँ पे प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस चलने के बाद सबसे नीचे में लास्ट में आपको यहाँ पे जो है उसका जो कोड जो अनलॉक डन लिखनी चाहिए, तभी जो आपका कंट्री लॉक अनलॉक हो पाएगा। तो सबसे नीचे में कंट्री लॉक डन लिखेगा, जब अनलॉक कोड जब डन लिखेगा इसमें, तो तब समझ लिया आपके आपका कंट्री लॉक जो अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।